सब्सक्राइब कीजिए टैग फन टू टॉप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टैग और फन वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी के एयरबड्स की। हाँ दोस्तों, रियलमी के जो बड्स वायरलेस वाले नेक बैंड है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि कितनी अच्छी इनकी साउंड क्वालिटी है, कितने की प्राइस है और कैसे आपको परचेज करना है। दोस्तों ये काफ़ी कमाल का एयरबड है, इसलिए मैंने इसे खरीदा है आपके लिए। हाँ दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आप यहाँ पर इसका एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर आप देख सकते हो बाहर कुछ मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पर अच्छे से सारी डिटेल्स जान सकते हो। यहाँ पर इस रियलमी के नेक बैंड के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं और ये इसका कवर है जो कि येलो और वाइट कलर का है। दोस्तों काफ़ी कमाल का ये रियलमी का बड्स हैं जो कि देख सकते हो, आपको ऑरेंज कलर, हल्का ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा इन बड्स का। ये तीन कलर के अंदर अवेलेबल हैं, मैंने ऑरेंज मंगाया है। अगर आपको भी ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों ये देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी पैकिंग है। दोस्तों आप सभी जानते हो कि रियलमी हमेशा येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन रखता है अपने कवर्स में, यानी अपने जो बॉक्स होता है वो येलो और वाइट कलर का ही मिलता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये रियलमी का जो नेक बैंड है इसमें काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी बताई गई थी, लेकिन आज मैं इसे टेस्ट करके देखने वाला हूँ क्या रियल में इसकी अच्छी साउंड क्वालिटी है, क्या हम बाइक पे चलते हुए कभी बात करेंगे तो हमें एकदम क्लियरली वॉइस सुनाई देगी और क्लियर वॉइस हमें दूसरे के पहुँच पाएगी। तो इसको देख सकते हो इसमें काफ़ी, और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें ये टाइप सी पोर्ट से नहीं है, ये USB पोर्ट से है। और इसकी देखो कितनी अच्छी ब्रांडिंग है और ये हमारे जो कान होते हैं उनमें अच्छे से फिट भी हो जाते हैं। काफ़ी कमाल की इनकी बाहर की जो कवरिंग है जो कमाल की है। और आप देख सकते हो कि इसके जो ये इसको अंदर एक रैप है जिसको भी मैं ओपन करने वाला हूं और उसमें देखने वाला हूं कि कुछ और भी हमें निकल देखो, इसमें एक ट्रे है, उस ट्रे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इस एक और ट्रेसी है अंदर, उस ट्रे के अंदर मैं इसे ओपन करता हूं और इसमें देखता हूं कि इसमें क्या कमाल हमें रियलमी की तरफ से कुछ मिलता है। कुछ गाइड्स हैं ये रियलमी के बारे में, रियलमी बड्स वायरलेस इस पर लिखा हुआ है और रियलमी की तरफ से है। तो ये काफ़ी कमाल का एक छोटा सा पेपर है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। और इसमें अंदर हमें देखने को मिलता है ये दो इसके बाहर के रबर जो कि ख़राब होने पर हम दोबारा भी यूज कर पाए, हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर हमें एक USB पोर्ट टाइप की केबल मिल जाती है जिसे कि हम इसे चार्ज कर लेंगे। ये USB पोर्ट वाली केबल है, इसे हम चार्ज कर लेंगे हमारे अडेप्टर की सहायता से। और इस बॉक्स को करते हैं हम साइड में, और अभी इस बॉक्स के अंदर एक रैक था उसके अंदर ये रखे थे। अभी इस बॉक्स को करते हैं साइड में और बात करते हैं इस नेक बैंड की। हाँ दोस्तों, ये नेक बैंड है जो कि काफ़ी कमाल का है, जो कि हमारे गर्दन के पास में हम इसे लगा कर रखेंगे तो हमें ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बैंड है, हम इसे काफ़ी अच्छे से पूरी चारों तरफ से मोड़ सकते हैं। देख सकते हो ये कितना फ्लेक्सिबल है कि ये एकदम हमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल मिलता है। ये एकदम कोई हार्ड उस प्लास्टिक से नहीं बना, ये रबड़ जैसा ही है। और इसकी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की ये कवरिंग जो इस पर रियल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें कुछ इस पर कुछ मेंशन है जो हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरे इस पर हमें एक USB पोर्ट मिल जाता है जहाँ कि हम इसको चार्जिंग कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एक माइक मिल जाता है और यहाँ पर हमें वॉल्यूम अप और डाउन का बटन मिल जाता है जिससे कि हम इसकी वॉल्यूम को अप और डाउन कर पाएंगे। और इसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे हमारे फ़ोन की, जिससे हम इसे आसानी से हम गाने वाने, और साउंड क्वालिटी काफ़ी कमाल की है, मैंने इसे यूज किया है। और इसे हम जैसे मैग्नेटिक होल्ड करेंगे तो ये गाने भी बंद हो जाएंगे। हम कहीं पर बाइक चला रहे हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, काफ़ी कमाल के हैं। खरीदने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।